भर में धूमधाम से दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर में बुराई के प्रतीक रावण का दहन होगा। दशहरे के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। दिल्ली, जम्मू, कोयम्बटूर, पूरे देश में इसी तरह धूमधाम से विजयदशमी यानी दशहरे का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर के बाजारों में रौनक है, जगह जगह मेले लगे हैं, लोग अपने परिवारों के साथ खरीदारी कर रहे हैं। दशहरे के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को दशहरे की बधाई दी और सुख शांति की कामना की। योगी ने गोरखपुर में गोरखधाम में विधि विधान से दशहरा पूजन भी किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पत्नी के साथ शस्त्र पूजा की और पारंपरिक तरीके से दशहरे का त्योहार मनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। शिवराज सिंह ने कहा कि रावण दहन के साथ अपने अंदर की बुराइयों को भी खत्म करें। शाम में बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन होगा। अलग अलग शहरों में रावण दहन देखने के लिए लोगों में उत्साह है। धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगह रावण के पुतले बनाए गए हैं। हर की पौड़ी के पास रोडी बेल वाला ग्राउंड में रावण का भव्य पुतला बनाया गया है। वहीं गुरुग्राम की सड़कों पर अचानक रावण और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। दरअसल रावण और लक्ष्मण के रूप में ये लोग रामलीला के कलाकार हैं, जो सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने की सलाह देते दिखे। मैसूर पैलेस में भी दशहरे को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। हाथियों को सजाया गया है। एक तरफ जहां रावण को जलाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं देश में कई ऐसी जगह भी हैं जहां रावण की पूजा भी की जाती है। कानपुर के 150 साल पुराने रावण मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस रावण मंदिर को सिर्फ दशहरे के दिन खोला जाता है। विजयदशमी के मौके पर लोगों ने शस्त्र पूजा की। विजयदशमी या दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है। दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान श्री राम की पूजा और आराधना होना तो आम बात है, लेकिन वहीं कानपुर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां सुबह से ही लोग दशानन रावण की पूजा करते हैं। ये मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। कानपुर के सिवाला इलाके में स्थित दशानन मंदिर में सुबह से भक्त रावण की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ रहे हैं। दशानन मंदिर में शक्ति के प्रतीक के रूप में रावण की पूजा होती है और श्रद्धालु तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। इसके बाद आरती होती है और शाम को मंदिर के दरवाजे एक साल के लिए फिर बंद कर दिए जाते हैं। वैसे दशकों से ये परंपरा है कि दशहरा के दिन अहमदाबाद समेत गुजरात के ज्यादातर शहरों में फाफड़ा और जलेबी खाने की परंपरा है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में लोग अपनी मर्जी के हिसाब से फाफड़ा जलेबी खाते हैं। इस साल हालांकि जीएसटी के कारण फाफड़े जलेबी का सेल थोड़ा कम होगा, क्योंकि दाम जो बढ़ गए हैं। फिर भी हम आपको गुजराती फाफड़ा जलेबी का ऐसा रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि फाफड़ा जलेबी की डिमांड किस तरीके से है। इस साल देखिए इस रिपोर्ट में लंबी लंबी लाइन देखिए, क्या खास और क्या आम। हर कोई खुशी खुशी फाफड़ा और जलेबी खाने के लिए लाइन में खड़ा है। लोग अपने घर पर फाफड़ा जलेबी लेकर जाते हैं और घंटों तक लाइन में खड़े होते हैं। हालांकि इस बार जीएसटी के कारण फाफड़ा और जलेबी के दाम बढ़ गए हैं। चने के बेसन जिससे फाफड़ा बनता है उस पर 5% जीएसटी है, जबकि पहले इस पर कोई टैक्स नहीं था। नमकीन पर अब 12% जीएसटी है, जबकि इस पर भी पहले कोई टैक्स नहीं था, और फाफड़ा नमकीन की श्रेणी में आता है। मिठाई पर अब 5% जीएसटी लगता है, जबकि पहले इस पर 5% वैट था। पहले फाफड़ा जलेबी बनाने वाले कारीगर को एक दिन का 4,000 रुपए मिलता था, जो इस साल बढ़कर 6,000 हो गया है। इस कारण से फाफड़ा जलेबी की सेल के ऊपर भी असर हो सकता है। जलेबी फाफड़े का सेल भी इस साल में थोड़ा कम होगा। इसका रीजन एक तो जीएसटी है, महंगाई बढ़ती है, लोगों में जो पहले जो पुराना जो क्रेज था वो कम हो रहा है। दूसरे कारीगरों का इतना प्रॉब्लम हो गया, उनको रोज अच्छा क्योंकि उनको भी आगे सामने खर्चा है,
तो इसलिए उनको सस्ते में या कम रेट में या कम पगार में पोसाता नहीं है, अने ज़्यादा पगार में व्यापारियों को नहीं पोसाता है, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत आता है। पिछले साल अहमदाबाद में 2500 छोटी बड़ी दुकान और 1500 टेम्पररी काउंटर पर फाफड़ा जलेबी मिल रहा था, जबकि इस साल काउंटर की संख्या घटकर सिर्फ 500 है। अहमदाबाद में दशहरे के दिन पिछले साल अमूमन 900 टन फाफड़ा जलेबी की बिक्री हुई थी, लेकिन इस साल इसमें 30% तक की कमी आई है। हालांकि फिर भी एक ही दिन में करोड़ों रुपए के फाफड़ा जलेबी की बिक्री होगी। लोग भले थोड़ा ही सही, लेकिन फाफड़ा जलेबी जरूर खाएंगे। हर फेस्टिवल खाने से ही होता है, तो दशहरा भी फाफड़ा जलेबी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके लिए शायद कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना हो हम लेके ही जाएंगे, क्योंकि दशहरा के दिन फाफड़ा जलेबी तो होना ही चाहिए। दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी खाने की एक परंपरा है, और इसलिए जीएसटी की परवाह ना करते हुए लोग फाफड़ा जलेबी खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। जीएसटी के कारण इस साल फाफड़ा और जलेबी के दाम थोड़े बड़े हुए हैं, लेकिन वो अहमदाबादी ही क्या जो इस दिन को फाफड़ा और जलेबी न खाए, इसलिए इस दशहरा में भी सभी लोग फाफड़ा और जलेबी का लुत्फ उठा रहे हैं। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद के बाद आपको ये बताते हैं कि देश में बाकी जगहों पर क्या क्या तैयारियां हो रही हैं विजयदशमी के लिए, चलिए देखते हैं। पूरे देश में दशहरे की धूम, शहर शहर रावण दहन, बुराई के रावण का अग्नि दहन। राजधानी देहरादून में दशहरा पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए परेड ग्राउंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां आकर्षक लंका को तैयार किया जा रहा है, साथ ही इस बार 20 हाथों वाले रावण का पुतला बनाया जा रहा है। दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास इस बार हमने जैसे रावण का है, रावण के दो हाथ लगते थे पहले, 10 मुंह के हिसाब से हमने इस बार 20 हाथ का अट्रैक्शन रावण में दिया है, और साथ में कुंभकर्ण का हमने नाम दिया तोंद वाला कुंभकर्ण, काफी हेल्दी कुंभकर्ण हमने बनाया है। लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला में इस बार 121 फीट का रावण तैयार हो रहा है, और इस बार इसे कन्या भ्रूण हत्या और तुष्टिकरण बंद करने की थीम पर तैयार किया गया है। ऐशबाग रामलीला का इतिहास काफी पुराना है। आयोजकों की माने तो तकरीबन 550 साल से यहां रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है, और खुद गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं से रामलीला के मंचन की शुरुआत की थी। हम लोग एक महीने पहले से तैयारी शुरू करते हैं, तब जो है अब जाके हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट है लगभग, और कुछ उसके जो है पार्ट्स रह गए हैं चढ़ाने के लिए, वो जो है चढ़ के आज कंप्लीट हो जाएगा। बागपत जनपद में बड़ा गांव के लोग लंकेश रावण के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं और रावण को अपना वंशज मानते हैं। सदियों से गांव में न तो रामलीला होती है, न ही रावण का पुतला फूंका जाता है, और जब किसी अन्य जगह पर पुतले का दहन होता है तो ये लोग निराश होते हैं। रावण उस बड़ा गांव, रावण से जुड़ा हुआ गांव है, और आज भी जो वहां के ब्राह्मण हैं, जो वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग निवास करते हैं, रावण के प्रति उनके दिमाग में, उनके जहन में एक अलग तरह की आस्था है, और उसका पुतला आदि जलाने की वहां प्रथा नहीं है। क्योंकि रावण का इस गांव से गहरा नाता रहा है, लोगों के मुताबिक यहां रावण ने काफी समय तक तप किया था, उसके बाद वरदान में मिली माँ मनसा देवी की प्रतिमा की स्थापना की, जो आज भी मंदिर में विराजमान है। हमारे गांव का नाम रावणकूट बड़ा गांव, ये इसलिए बड़ा है क्योंकि रावण यहाँ माँ की प्रतिमा माँ मनसा देवी को लेकर है। रावण ने यहाँ पूजा अर्चना करी, और यहीं एक रावण कुंड था बोले थे, जो झोड़ बोले थे हमारे पहले यहाँ, उसी में उन्होंने स्नान किया। पूरी दुनिया में मैसूर का दशहरा काफी प्रसिद्ध है, इसलिए मैसूर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।